हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर लाइफ में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या करें, काऊ के ड्राई पीरियड में मैं जो करता हूँ वही आपको बताऊंगा और ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा। तो चलो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। और काऊ को ड्राई करते वक्त ये हमेशा चेक करें कि उसको मस्टाइटिस है कि नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं सीएमटी किट से। कैलिफोर्निया मस्टाइटिस टेस्ट करके आता है वो सीएमटी टेस्ट, उसे आप चेक कर सकते हैं उसको सब क्लिनिकल मस्टाइटिस है या नहीं है। अगर मस्टाइटिस होगा तो आपको थोड़ी बहुत फिर नेक्स्ट लैक्टेशन में जब भी आएगी तब बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि ये काऊ आप देख रहे हो जो ये इस बार भी आई तब इसको भी आने के सिर्फ 3-4 दिन बाद इसको मस्टाइटिस हो गया था और उसके कारण ये थन आप देख सकते हो ये बिगड़ गया है। इसका जो थन है वो थोड़ा शॉर्ट हो गया है, तो इसका मतलब यही है कि इसमें ये थन खराब हो चुका है और इसमें से मिल्क नहीं आता है। तो मैंने जो गलती करी है दोस्तों वो आप मत दोहराना, और जब काव ड्राई करो तो जरूर से चेक करना कि उसको सब क्लिनिकल मस्टाइटिस है या नहीं है। और ये मस्टाइटिस होने के कारण इसने बॉडी स्कोर भी पूरा तोड़ दिया है, देख सकते हो आप, तो बहुत ही दिक्कत आती है, इसलिए हमेशा से चेक करें। तो हम शुरू करते हैं अब ड्राई काऊ में हम क्या करें। तो सबसे पहले जब उसका मिल्क सुखाने का टाइम आता है तब खास ध्यान रखना है हमको, क्योंकि अगर मिल्क थोड़ा सा भी अंदर रह गया तो फिर उसको मस्टाइटिस होने के चांसेस रहेंगे। अगर आपकी काऊ दूध नहीं सुखा रही है तो आप कैप्राविन ट्यूब यूज कर सकते हो। अब कैप्राविन ट्यूब के फायदे ये है कि वो डेड सेल्स होते हैं वो खत्म कर देता है और नए सेल्स जनरेट करता है। और कैप्राविन जो MSD कंपनी है वो ये दावा करती है कि 60 डेज तक वो ट्यूब अंदर ही रहती है और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देती। तो ये हो गई हमारी पहले की बात। अब जब ड्राई काऊ चली गई है, जब 9th मंथ चल रहा है उसका, एंड का मंथ चल रहा है, उसमें हमको उसको जितनी एनर्जी हो सके उतनी देनी है। मैं तो सीधा कारगिल का जो ट्रांजिशन बैग आता है ट्रांजिशन मिक्स करके वही खिलाता हूँ और मुझे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है इसका। तो आप भी ये खिला सकते हैं, अगर घर पे ही फीड बना रहे हो ट्रांजिशन का तो उसमें एनर्जी लेवल थोड़ा अप रखना चाहिए। प्रोटीन और ये सब तो रहता ही है बट एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम एनर्जी लेवल काऊ को ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब बात करेंगे कि वो जो IMV की ड्राई काऊ बॉलस आती है वो भी मैं गाय को रखवाता हूँ, उसके भी मुझे बहुत ही बढ़िया फायदे हुए। क्यों रखवाता हूँ? क्योंकि जब नेक्स्ट लैक्टेशन में जब आती है तब वो मिल्क बहुत ही बढ़िया देती है, और जो बछड़ी आती है या फिर बछड़ा आता है, जो भी बच्चा गाय काऊ देती है, तो बहुत ही बढ़िया आता है। इसीलिए मैं IMV कंपनी की बॉलस रखता हूँ। अब आप क्या करते हो ट्रांजिशन पीरियड में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना।